वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग अंकल के लिए बेस्ट थ्री स्टॉक्स अपने पास जिसको हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक है अपने पास त्रिवेणी, एंड त्रिवेणी में हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है। फिलहाल के लिए एक चीज़ यहाँ पे समझना है कि ये इसका ऑल टाइम हाई है। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़ता है तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलता है। ये इसका रेसिस्टेंस है एंड इस लेवल के पास में आके मार्केट होल्ड कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। अपना ब्रेकआउट इस हाई के ऊपर बन रहा है 650 के ऊपर में, एंड ये जो हाई है इस हाई से ये हर बार रिजेक्ट हो जा रहा है। यानी कि हम लोग को अगर बाइंग देखना होगा तो इस हाई के ऊपर जाते ही अपने को बाइंग देखना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है कि ये अगर रेसिस्टेंस है तो यहाँ जाके वापस मार्केट नीचे की तरफ गिर भी सकता है। तो फिलहाल हम लोग वेट कर लें कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर दे, वरना ऐसा होगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा हाई लगाएगा और हाई लगाते ही आपको ट्रैप में फंसाएगा और मार्केट गिर जाएगा नीचे की तरफ। तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ गिर जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक दो दिन और यहाँ पे टाइम स्पेंड करे उसके बाद ब्रेक करे। अगर एक दो दिन और टाइम स्पेंड करते तो अपने लिए और अच्छा बात है, अपना ट्रेड और स्ट्रांग हो जाएगा। फिलहाल 650 के ऊपर में बाइंग, अगर 650 के ऊपर जाता तो हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। 629.90 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 733 का हम लोग का टारगेट रहेगा। तो ऑल टाइम हाई है। अब ऑल टाइम हाई हम इसको क्यों बोल रहे हैं, वन डे के टाइम फ्रेम में अगर करेंगे तो पास्ट में कभी भी 650 के ऊपर त्रिवेणी गया ही नहीं था। तो यहाँ पे अगर फिलहाल देखेंगे तो ये हाई टूटता है तो ये कहाँ तक रैली दे सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने से क्या होता है, ये जो शैडोज वगैरह है ये हट जाता है, शैडो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे टारगेट का पता करने के लिए। यहाँ पे इसको लेंगे, लो पे पहले कर्सल को रखें, फिर हाई पे कर्सल रखें एंड इसको डायरेक्ट ऐसे प्लॉट कर दिए, ठीक है। तो इसका टारगेट कितना दिखा रहा है, 730। तो थोड़ा दो चार रुपये आगे पीछे यहाँ पे लगा रहेगा आपका, तो 733 रुपये के आसपास में हम लोग को यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर स्टॉक है अपने पास PNC इंफ्राटेक लिमिटेड, एंड ये ट्रेड काफ़ी अच्छा है त्रिवेणी के मुकाबले, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब ये ट्रेड को हम क्यों बोल रहे कि अच्छा है, देखिए ट्रेड को समझना होगा कि आपका कौन सा ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी है, कौन सा ट्रेड लो प्रोबेबिलिटी, किस जगह पे मोमेंटम अच्छा आएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मल्टीपल टचेस देखने को मिल रहा है ट्रेड लाइन पे, हर बार ये ट्रेड लाइन के पास आके मार्केट नीचे की तरफ गिर जा रहा था, ठीक है। तो ये मल्टीपल टचेस की वजह से ये हम लोग समझ रहे कि ट्रेड लाइन काफ़ी परफेक्ट तरीका से चल रहा है। हमने जो ट्रेड लाइन ड्रॉ किया वो ट्रेड लाइन एकदम करेक्ट है, यानी कि सही है। फिलहाल हम लोग को अब ये देखना है कि ये रेसिस्टेंस को तोड़ दे, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक अपना एंट्री नहीं बनेगा। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मार्केट इसको ब्रेक करने वाला है, एक रैली आने के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अब नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है। जब भी ट्रेड लाइन के पास मार्केट होल्ड करने लगे तो समझिए ब्रेकआउट आने वाला है। जैसे देखिए मार्केट यहाँ आया गिर गया, यहाँ आया गिर गया, यहाँ आया और संग संग गिर गया, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा है, यानी कि एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये कुछ की वर्ड्स है जिसको आपको याद नहीं करना, थोड़ा सा समझना है कि मार्केट में अगर ऐसा देखने को मिले तो वहाँ पे हम लोग उम्मीद करें कि मार्केट में एक बड़ा रैली मिलेगा या फिर मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। तो 534 के ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं इसको, अगर इसमें ट्रेड लाइन के ऊपर जाएगा तो एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा, यानी कि हम लोग इसको बाई कर लेंगे। 520 का स्टॉप लॉस रहेगा, इन केस मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है तो स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर देंगे। 574 का हम लोग का फर्स्ट टारगेट बनेगा एंड 626 का सेकेंड टारगेट बनेगा। थर्ड नंबर स्टॉक अपने पास पीरामल इंटरप्राइज, एंड पीरामल इंटरप्राइज में ट्रेड थोड़ा सा मिस हो गया लेकिन ये ट्रेड अभी भी भागेगा। काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसका रेंज देखें तो यहाँ से यहाँ तक अराउंड 249 डेज का रेंज है, ठीक है। तो यहाँ से ये हर बार रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ गिरा था लेकिन इस बार ये तोड़ दिया, तो 249 डेज का रेंज का ब्रेकआउट आया तो ये क्या 3% में ही रुक जाएगा, 3.5% का रैली आया है लास्ट डे तो इतना में ही रुकने वाला है नहीं, ये भी और ऊपर की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे टारगेट काफ़ी बड़ा है, इस ट्रेड में अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। अगर ये पिरामल एंटरप्राइज थोड़ा नीचे गिरता है या फिर थोड़ा होल्ड करता है तो वहाँ पे हम लोग एंट्री लेके आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि इसका टारगेट काफ़ी बड़ा है। तो एंट्री 952 के ऊपर है, अभी 980 चल रहा है, एंट्री ऑलरेडी मिल चुका है। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, मौका का इंतजार करना है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरे। 930 का स्टॉप लॉस रहेगा,
1038 का फर्स्ट टारगेट और 1121 का सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये जो हाई है इस हाई तक हम लोग टारगेट देख सकते हैं। रेंज बड़ा है तो काफ़ी जल्दी इसका टारगेट मिल जाएगा। निफ्टी पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, निफ्टी यहाँ पे अब क्या करेगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे निफ्टी के बारे में हम बता रहे थे कि निफ्टी साइडवेज ही रहने वाला है, कोई ज़्यादा मोमेंटम हम लोग निफ्टी से उम्मीद नहीं करेंगे। इसी तरीके से निफ्टी इसी रेंज में रह जाएगा। फिलहाल हम लोग निफ्टी का ये लो एक सपोर्ट मान के चलते हैं कि निफ्टी का ये सपोर्ट है और ये इसका रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो निफ्टी ये देख के समझ में आया कि निफ्टी एक रेंज में फंसा रहेगा, इसी रेंज के भीतर में निफ्टी चलेगा। फिलहाल निफ्टी को देखकर डायरेक्शन क्लियर नहीं कि निफ्टी किस डायरेक्शन में जाएगा, तो तब तक हम लोग वेट करेंगे या फिर ऐसा कर सकते हैं ये जो ट्रेड लाइन इस ट्रेड लाइन को फॉलो करेंगे। जब भी मार्केट इस ट्रेड लाइन के पास में आए तो हम लोग छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, मगर कुछ ज़्यादा पैसा हम लोग का यहाँ पे बनता हुआ नहीं नज़र आएगा। पैसा कब बनेगा? जब मार्केट इसको तोड़ेगा तब। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक अवॉइड करने में भलाई, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा इसके मुकाबले ज़्यादा सही है। बैंक निफ्टी क्योंकि एक रेंज क्रिएट कर चुका और इस रेंज का जल्दी ही ब्रेकआउट आने वाला है, हो सकता है कल या फिर फ्राइडे को ये ब्रेक कर दे और यहाँ पे तेज़ी से भागे। तो ये इसका रेसिस्टेंस, ये इसका सपोर्ट हो सकता है। और 4-5 घंटा या फिर नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे के बाद वाले दिन फ्राइडे को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी तोड़ता है तो इसका टारगेट भी काफ़ी बड़ा, ठीक है। नॉर्मली ये जो रेंज है 6 दिन का रेंज है, कोई छोटा मोटा रेंज है नहीं। बैंक निफ्टी में 6 दिन का रेंज मतलब काफ़ी अच्छा रेंज है। पाँच दिन 22 घंटा मतलब 6 दिन समझ के चलिए, 6 दिन से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी इसके बाहर निकलेगा तो एक अच्छा टारगेट है। यहाँ से यहाँ जितना रैली है उतना ही बड़ा रैली यहाँ पे देखने को मिलेगा। 52,794 यानी कि 52,800 एक राउंड फिगर पर कर लीजिए, 52,800 तक का बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट, 53,300 राउंड फिगर सेकंड टारगेट रहेगा हम लोगों का। तो अगर ये रेंज टूटता है तो एक बैंक निफ्टी में वन डायरेक्शन मूव बोल सकते हैं कि एक सिंगल डायरेक्शन मूव मिलेगा, तो अच्छा पैसा आपको यहाँ पर बनता हुआ मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब इतना लॉस खा चुके हैं साइडवेज मार्केट में तो एक ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाने वाले दिन का इंतजार कर लीजिए। मे भी आपका यहाँ पे जो भी लॉस हुआ हो वो रिकवर हो जाए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ज़्यादातर लोगों का लॉस ही होता है, ज़्यादा लोग पैसा बना नहीं पाते। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना है, अगर इनकेस लॉसेस हो जा रहा है तो लॉस को सेम डे में रिकवर करने मत जाइए, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा दिमाग को शांत कीजिए, नेक्स्ट डे आप वापस से ट्रेड लीजिए, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। बाय। एंड काफ़ी कमेंट्स, 3-4 कमेंट्स था, काफ़ी कमेंट्स नहीं था, 3-4 कमेंट कौन कौन कमेंट किया था बता देते हैं, नाम थोड़ा सा हम अनाउंस कर देते हैं। किसका किसका कमेंट्स था? अग्रवाल जी का कमेंट आया था, वी आर वेटिंग। दिनेश कुमार जी का कमेंट आया है, बेस्ट। चंदा कटीजा इनका कमेंट आया है, वेटिंग फॉर दिस वीडियो सर, थैंक यू चंदा जी। चंदा जी का मैसेज काफ़ी ज़्यादा, ये सॉरी कमेंट्स बहुत ज़्यादा है, थैंक यू सर, क्लियर एक्सप्लेनेशन अबाउट द टारगेट। जय सीता जी का भी कमेंट है, ये सभी सर आई ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट। आजम खान भाई बहुत सी बात समझ आई, थैंक यू आजम जी का। भाई जो तुम बताए लास्ट में पहले भाई फिर से वो बताओ, अच्छा था। अच्छा ठीक है, हम इस पर और डिटेल में जाते हैं कभी, तो फिलहाल के लिए आज रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।